हमारे साथ हैं आज दिल्ली से आए हुए और सभी के चिर प्रचलित चंद्रमणि शर्मा जी, जो कि एक बहुत उच्च कोटि के कवि हैं और बहुत सुंदर काव्य पाठ करते हैं। आज इनसे हम जानते हैं कि निसर्ग जीवन केंद्र सोनीपत में जब यहाँ पर ये एडमिट हुए, इनको आप कैसा लग रहा है? शर्मा जी बताइए। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया कि मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात करूँ। तो मुझे अच्छा लगा निसर्ग जीवन केंद्र में जब हम आए, तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा था। और मैं डॉक्टर साहब से लगभग 30 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं पट्टी कराना जाता रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि दो वर्ष में दो बार तो ये लक्ष्य पति ले ही लेनी चाहिए स्वस्थ आदमी को। तो मुझे कोई ऐसा दिक्कत तो खास नहीं थी, अब शरीर में बाकी चलती रहती हैं थोड़ा बहुत होता है। तो लेकिन जब हम ये क्रिया करते हैं तो ये टॉक्सिक मेटेरियल हमारे बाहर निकल जाते हैं, फिर हम ऊर्जावान हो जाते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, लेकिन इनका आत्मीयता और इनका व्यवहार, उन्होंने जो यहाँ सेंटर खोला है, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये अपने इस कार्य में और आगे बढ़े। और सभी को स्वास्थ्य बांटे, कहते हैं जो लोगों के लिए करता है ना उसको ईश्वर देता है, अपने आप देता है। मतलब जब हम लोगों को कुछ बांटते हैं तो ईश्वर हमारे लिए प्रार्थना करता है कि आप भी, आपको सब कुछ मिलेगा। मतलब तो डॉक्टर साहब को मुझे बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप ऐसे लोग आगे बढ़ते रहें और लोगों को खुशियां बांटते रहें। यहाँ पर आके खुशी मिलती है। तो जब आपको जीवन, आपका पेट हल्का हो जाता है, आपका मन हल्का हो जाता है और 3-4 दिन आप घर छोड़कर यहाँ आते हैं, तो छोड़ना जीवन में यही तो है। जब आप कुछ छोड़कर आगे बढ़ते हैं तो सच में आप प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, आपका वही जीवन है, यही जीवन में सीख डॉक्टर साहब देते हैं। जब उनके लेक्चर होता था तो इनका लेक्चर भी सुनता था, ये बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही बारीकी प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में, जीवन के बारे में बहुत अच्छे से इनके लेक्चर थे। तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, ऐसा करते रहें तो उनको जीवन बांटते रहें। थैंक यू वेरी मच।